हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है दर्शन। हमारे फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में पीजीटी पीजीटी के सिलेबस में इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सारी शिक्षा में दर्शन शास्त्रीय आधार, उस चैप्टर से आज मैं बता रही हूँ दर्शन क्या है और दर्शन के कितने भाग होते हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि दर्शन का अर्थ क्या होता है और दर्शन के कितने भाग हैं, तो इसमें बस शॉर्ट में बताऊंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सारी शिक्षा के अर्थ और परिभाषा एंड उसके अन्य टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देख लीजिए। एक जो भी मैं बताई हूँ वो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बताई हूँ। तो चलिए जानते हैं दर्शन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि दर्शन से तात्पर्य ही शाब्दिक अर्थों से ही पता चल रहा है, दर्शन का मतलब होता है देखना, यानी वास्तविक चीज़ों को देखना कि यह चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या क्यों कैसे का आंसर खोजने के लिए जिस सब्जेक्ट में क्या क्यों कैसे का उत्तर ढूंढा जाता है उसे दर्शन कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो दर्शन का अर्थ होता है देखना, चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, देख के सोचा जाता है कि आखिर ऐसा ये क्यों है, ये क्या चीज़ है, कैसी है। इन सब चीज़ों का अध्ययन दर्शन शास्त्र में किया जाता है। दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी शब्द ग्रीक शब्द के फिलोस जिसका अर्थ है प्रेम और सोफिया जिसका अर्थ है ज्ञान, जिससे मिलकर बना होता है, दोनों को मिलाकर होगा ज्ञान, विद्या या ज्ञान के प्रति प्रेम। तो दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या हुआ, दर्शन का अर्थ हुआ देखना और दर्शन शास्त्र का अर्थ हुआ विद्या या ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक है, इसमें ज्ञान प्राप्ति ही मुख्य लक्ष्य होता है दर्शन शास्त्र। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या हुआ, विद्या या ज्ञान के प्रति प्रेम। ठीक है, तो दर्शन जानते हैं कि दर्शन शास्त्र का क्षेत्र क्या है, मतलब किस चीज़ का क्षेत्र, मतलब किस चीज़ का यह अध्ययन करता है। ठीक है, तो यह दर्शन शास्त्र जो है आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के अगम रहस्य का उद्घाटन करता है। ठीक है, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के अगम रहस्य के बारे में पता लगाता है कि आखिर में क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, इसका उत्तर ढूंढना दर्शन शास्त्र का काम है। ठीक है, अब दर्शन शास्त्र का संबंध उस विषय से है जो व्यक्ति को बुद्धिमान और तत्वज्ञानी बनाता है, भ्रम में नहीं रखता है, भ्रम वाला शब्द यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, वो तत्व को जानना चाहता है कि सही में आखिर में है क्या है। ठीक है, दर्शन शास्त्र में दर्शन वह विज्ञान है जो आत्मा, परमात्मा, जीवन मूल्यों, तर्क आदि से संबंध रखता है। बस यही जान लीजिए कि इसमें तर्क का विशेष स्थान रखता है। ठीक है, बिना तर्क के कोई चीज़ नहीं, क्या क्यों कैसे का उत्तर ढूंढता है। ठीक है, इसके माध्यम से यह आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के बारे में जानता है, तो जिसके माध्यम से व्यक्ति ब्रह्मांड के रहस्यों, अजूबे रहस्यों तथा उनमें निहित अर्थों के गूढ़ तत्व को निकालता है। ठीक है, ये एकदम सूक्ष्म तत्व को निकालता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना ही आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के रहस्यों के बारे में जानना ही दर्शन कहलाता है। अब मैं बात करूंगी दर्शन शास्त्र के भाग की। दर्शन शास्त्र के 6 भाग हैं जिसके अंतर्गत दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। पहला है अध्यात्म शास्त्र यानी मेटाफिजिक्स। इसके अंतर्गत जीवन के अस्तित्व तथा मनुष्य व प्रकृति के मध्य संबंध की वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है एंड जन्म, मृत्यु, देवी देवता, भूत, प्रेत, आत्मा, परमात्मा आदि विषय वस्तु है इसका, अध्यात्म शास्त्र का। नेक्स्ट है ज्ञान शास्त्र। दूसरा है ज्ञान शास्त्र, इपिस्थेमोलॉजी। ठीक है, यह क्या ज्ञान शास्त्र में सत्य को प्रकाशित करना ही इसका ध्येय होता है, यानी इसका लक्ष्य होता है सत्य को प्रकाशित करना, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उपार्जन और सिद्धांतों का अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा है सुक्ति शास्त्र, एक जियोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत सत्य के उपयोग तथा न्याय देने के सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है। अच्छा,
तो ज्ञान शास्त्र में सत्य को प्रकाशित करना, उसको जानना, उसके बारे में जानना उसका ध्येय होता है। जबकि सुक्ति शास्त्र में सत्य के उपयोग तथा न्याय देने के सिद्धांतों का विवेचना होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है चौथा है नीति शास्त्र, इथिक्स। नीति शास्त्र यानी कि इसमें नैतिक, चारित्रिक और जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र यानी लॉजिक। तर्कशास्त्र से समझ सकते हैं कि तर्कशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाए। जानने बुद्धिमत्ता ढंग से जीने के सिद्धांत, यानी जैसे कि अपनी बात तर्क के साथ प्रस्तुत हो, अपने विचारों को क्रम व लय में विकसित करना। ठीक है, किसी चीज़ को तर्क के आधार पर मानना, यही तर्कशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है छठवां है सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स। इसके अंतर्गत प्रकृति व कलाओं के सौंदर्य संबंधी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्रकृति और कलाओं के सौंदर्य संबंधी जीवन, शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक, मनोविज्ञान विषयों से संबंधित समस्याओं का निदान। तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत प्रकृति व कलाओं के सौंदर्य संबंधी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र में जीवन, शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक, मनोविज्ञान विषयों से संबंधित समस्याओं का निदान होता है। ठीक है, सारे शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक कारकों को विकसित किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के जन्मजात गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसका? व्यक्ति के जन्मजात गुणों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा में व्यवहारिक कौशल शिक्षा के साथ साथ सैद्धांतिक शिक्षा का भी समावेश किया जाता है। सारी शिक्षा में कैसे इसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्ति के जन्मजात गुणों का अध्ययन कर सारी शिक्षा में व्यवहारिक कौशल शिक्षण के साथ साथ सैद्धांतिक शिक्षा का भी समावेश होता है। ठीक है, इस प्रकार शारीरिक शिक्षा के एक टॉपिक है कि शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांतों की नींव किसने रखी, इसको भी जानना आवश्यक है। तो शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांतों की नींव प्लेटो तथा अरस्तु ने किया। ठीक है, ये यूनान के विशेषज्ञ थे। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांतों की नींव रखी प्लेटो तथा अरस्तु ने। ये कहाँ के थे? यूनान के थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था दर्शन के बारे में एंड दर्शन शास्त्र के 6 भाग के बारे में। और इससे कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जितने भी हैं, जैसे आदर्शवाद, प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद एंड यथार्थवाद, मानववाद, जितने भी हैं, इन सब के विचारक, प्रतिपादक अवश्य पूछता है। तो उन सब के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक ओनली बताऊंगी, ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूंगी। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और कोई भी सवाल आपके मन में हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।